जेल में बंद मुख्तार की गजब दबंग गई, जज के सामने ही देने लगा धमकी, जज भी रह गए हक्का बक्का। जी सही सुन रहे हैं, बाहुबली मुख्तार भले ही जेल में सुबक रहा हो, लेकिन एक बार फिर से उसने ऐसी दहाड़ लगाई कि हर कोई हैरान रह गया। जज साहब भी मानो कुछ देर के लिए सख्ते में आ गए। दरअसल एक केस के मामले में इस माफिया डॉन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आजमगढ़ जिला कोर्ट में पेशी थी। इस दौरान वो गवाह को धमकाता नजर आया। मुख्तार पेशी के दौरान ही अपने वकील से कहता है कि सुनो वकील, गवाहों की फोटो ले लेना, देखते हैं कि कौन है। बताया जा रहा है कि मुख्तार ने यह धमकी 3 जुलाई को 2014 के मजदूर हत्याकांड केस की सुनवाई के वक्त दी थी, जिसमें अब मुख्तार के खिलाफ गवाह को धमकाने का केस दर्ज हो गया है। IS-191 गैंग के सरगना और प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया मुख्तार अंसारी के विरुद्ध जनपद आजमगढ़ के थाना तरवा पर वर्ष 2014 में एक हत्या के मामले में पंजीकृत FIR नंबर 20/14 धारा 302 IPC यह केस माननीय न्यायालय के समक्ष विचाराधीन है। थाना कोतवाली पर सूचना प्राप्त हुई कि अभियुक्त मुख्तार अंसारी द्वारा उक्त केस के गवाहों को धमकाने का प्रयास किया जा रहा है। इस सूचना पर थाना कोतवाली पर FIR नंबर 384/23 धारा 506 IPC पंजीकृत कर विवेचना की जा रही है। गवाहों की सुरक्षा व्यवस्था पूर्ण रूप से सुनिश्चित की गई है और माफियाओं के विरुद्ध विचाराधीन केसेस में प्रभावी पैरवी कर सजा कराने के लिए जो विशेष सेल गठित किया गया है जनपद में, उसके द्वारा प्रभावी पैरवी कर जल्द ही इन प्रकरणों में सजा कराई जाएगी। बताया जा रहा है कि मुख्तार की डर की वजह से पीड़ित गवाह ने इस मामले में अब तक शिकायत पुलिस में नहीं की थी, लेकिन कल सरकारी वकील की पहल पर मामला पुलिस तक पहुंचा। पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ धारा 506 के तहत केस दर्ज कर लिया है। आपको बता दें कि इस केस में मुख्तार के माफियागिरी और दहशत की वजह से गवाह की पहचान छुपाकर रखी गई है। चलिए अब ये भी जान लीजिए कि क्या है ये हत्याकांड का मामला जिसमें हुई थी मुख्तार अंसारी की पेशी। मामला आजमगढ़ के तरवा के एराकला गांव का है, जहां 6 फरवरी 2014 को सड़क निर्माण में लगे बिहार के मजदूर राम इकबाल की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्तार अंसारी सहित 11 लोग आरोपी हैं। मुख्तार पर षड्यंत्र रचने का आरोप लगा था, बाद में इसमें गैंगस्टर एक्ट में भी मुकदमा दर्ज हुआ था और इस मामले की सुनवाई आजमगढ़ MPML कोर्ट में चल रही है। आपको बता दें कि आजकल मुख्तार बांदा जेल में बंद है और वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए तमाम केसेस की पेशी में जुड़ रहा है। वहीं मुख्तार के बेटे, बहू और पत्नी तक पर कानूनी शिकंजा बहुत तेजी से कसा हुआ है। उसकी पत्नी अफशा अंसारी फरार है, तो वहीं उसकी तमाम संपत्तियों पर बुलडोजर और कुर्की की कार्रवाइयां भी जारी हैं। भाई अफजल अंसारी की भी सांसद की सदस्यता चली गई है, मगर फिर भी ये माफिया डॉन अपनी हेकड़ी दिखाता जा रहा है। रस्सी जल गई लेकिन एक्शन क्यों नहीं गई, इस पर आप लोग क्या कहेंगे? आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिए। आजमगढ़ से राजीव कुमार की रिपोर्ट, यूपी तक।